राजस्थान को लेकर आए नतीजे के बाद अब भाजपा में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। बड़ी खबर है ये, आपको बताते चले। जहां पहले दौर में शनिवार को भाजपा मुख्यालय पर हारी हुई 7 लोकसभा सीटों पर मंथन हुआ, क्योंकि इस बार लोकसभा में 14 सीटों पर जीत हासिल करके 11 सीटों को बीजेपी को गंवाना पड़ा और 7 सीटों का कल डिस्कशन उस बैठक में हुआ था। आज बची हुई सीटों पर मंथन जारी है। सूत्रों की माने तो हार के प्रमुख कारण टिकट वितरण में खामी और आपसी भीतर घात प्रमुख रूप से सामने आया है, यानी कि अब दूसरे दौर में 4 लोकसभा सीटों पर मंथन होगा। जयपुर में चुनावी नतीजों पर आज भी बीजेपी का मंथन है। बीजेपी ऑफिस में ये मैराथन बैठक का दौर लगातार कल से ही चालू है। बांसवाड़ा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, श्रीगंगानगर सीटों की समीक्षा चल रही है और कल 7 लोकसभा सीटों पर मंथन हुआ था। ये जो हमने आपको सीटें बताई हैं, बांसवाड़ा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, श्रीगंगानगर सीट, ये 4 सीटें ऐसी है जिस पर आज डिस्कशन होगा। कल 7 लोकसभा सीटों पर मंथन हुआ था। शनिवार को टोंक, समाई, माधोपुर, नागौर सीट की समीक्षा हुई थी। सीकर, झुंझुनू, चुरू, दौसा, बाड़मेर सीटों की भी समीक्षा कल ही हो गई थी। सीपी जोशी, विनय शास्त्रबुद्धे, वी सतीश, विजय राठकर फीडबैक ले रहे हैं। वहीं लोकसभा प्रभारी, मंत्री, जिला अध्यक्ष, विधायकों से पार्टी के फीडबैक लिए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी निकल कर आ रही है कि हार के प्रमुख कारण टिकट वितरण में खामी बताई जा रही है, आपसे भीतर घात की भी बात सामने आई है। तो ये सूत्रों के हवाले से फिलहाल बड़ी खबर है। कल जो 7 सीटों पर डिस्कशन हुआ था, जो लोकसभा सीट से बीजेपी के द्वारा राजस्थान में हारी गई थी, उन पर डिस्कशन के बाद से सूत्रों के हवाले से 2 प्रमुख कारण नजर आए। एक तो पहली बात की जो प्रमुख कारण आया वो टिकट वितरण का, यानी कि सही से टिकट उन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में नहीं उतारे गए जो जीत का दावा भरते थे, और दूसरा आपसी भीतर घात की बात सामने आई। ये भी सूत्रों के हवाले से है फिलहाल। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा देंगे या फिर नहीं, ये वक्त तय करेगा, लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं वो दूसरी तरफ ही इशारा कर रहे हैं। जयपुर में चुनावी नतीजों पर समीक्षा के दौरान मंत्री किरोड़ीलाल नहीं पहुंचे, इसी पर देखिए रिपोर्ट। क्या है किरोड़ीलाल के मौन के पीछे की मंशा? आखिर पत्ते क्यों नहीं खोल रहे किरोड़ीलाल? बिन कहे बहुत कुछ कहती है ये खामोशी। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा खामोश है। लोकसभा चुनाव के परिणाम को जारी किए हुए कई दिन बीत चुके हैं। चुनाव नतीजों पर मंथन का दौर जारी है, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा कहीं नहीं। वो ना सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, न ऑफिस जा रहे हैं। इतना ही नहीं, चुनाव नतीजों पर समीक्षा के लिए जिस बैठक को आयोजित किया गया उसमें भी किरोड़ीलाल मीणा नहीं पहुंचे। इस बाबत जब उनसे सवाल किया गया तो होठों पर उंगली रखते दिखाई दिए। ये तस्वीरें अपने आप में वैसे तो बहुत कुछ बयां कर रही हैं, लेकिन तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। जयपुर में जिस समीक्षा बैठक में किरोड़ीलाल मीणा नहीं पहुंचे उसमें उन्हें टोंक, सवाई माधोपुर सीट का फीडबैक देना था। उनकी गैर मौजूदगी के चलते बीजेपी को टोंक, सवाई माधोपुर का फीडबैक नहीं मिला। पिछले कई दिनों से किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे वाले बयान पर सियासत भी जोरों पर है। ऐसे में उनका समीक्षा बैठक में ना पहुंचना लोगों को खटक रहा है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, किरोड़ीलाल मीणा अब सचिवालय में ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं और विभाग की फाइल भी नहीं देख रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री को मिलने वाली सरकारी सुविधा छोड़ दी है, जिससे राजस्थान में सियासत पूरी तरह से गर्म है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा की हार हुई तो मंत्री पद छोड़ दूंगा। अगर कन्हैयालाल हारा तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मांझी ने क्या क्या जा रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। अब 4 जून को जब नतीजे आए तो दौसा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा हार गए, जिसके बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक्स हैंडल पर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए लिखते हुए ट्वीट किया। हालांकि उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन विरोधी भी उन पर ट्वीट करके हमला कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उन्हें समझाने की बात करते नजर आए थे।
किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा देंगे या नहीं ये वक्त तय करेगा, लेकिन उनके इस खामोशी ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए। सिरोही से न्यूज 18 राजस्थान के लिए प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। और इस बीच जयपुर से एक बड़ी खबर भी आ रही है, जहां पर किरोड़ी के बैठक में नहीं शामिल होने पर सीपी जोशी का बड़ा बयान सामने आया। सीपी जोशी ने साफ तौर पर कह दिया कि किरोड़ीलाल मीणा निजी कारणों की वजह से बैठक में नहीं आ पाए हैं। किरोड़ीलाल मीणा निजी कारणों की वजह से नहीं आ पाए हैं और तमाम कार्यकर्ता नहीं आ पाए। क्या कुछ और कहा है वो भी सुनिए। कोई व्यक्तिगत कारण से नहीं आ पाए, कुछ लोग बाहर थे, बाकी सभी कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि जो अपेक्षित थे वो सब लोग उस बैठक